नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। मीशा भारती ने आज पाटलिपुत्र लोकसभा के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया है और उनका नामांकन पर्चा भरने के बाद आज एसके मेमोरियल हॉल में उनके लिए एक नामांकन सभा आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं एसके मेमोरियल हॉल की ये तस्वीरें हैं। मंच पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके पिता लालू यादव, उनकी माँ राबड़ी देवी, इसके अलावा उनके भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मुकेश सहनी के अलावा जो सीपीआई माले के महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी मौजूद है। और समर्थकों की भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं, लगातार कई जो है यहाँ पर पहले सिंगर्स के द्वारा गाना गाया गया और माहौल बनाया गया। माहौल बनने के बाद आप देखिए कि किस तरीके का नज़ारा जो है यहाँ पर दिख रहा है। मीशा भारती ने अपना नामांकन पर्चा भरा है और रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से एनडीए के प्रत्याशी है और मीशा भारती इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना नामांकन पर्चा भर करके यहाँ पर पहुंची है। लालू यादव खास तौर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ देखा गया कि पहले रोहिणी आचार्य जो उनकी दूसरी बेटी सारण की खड़ी है, उनके लिए एक बार लालू यादव पहले सारण गए और अब जो उनकी बड़ी बेटी है मीशा भारती, उनके लिए भी लालू यादव यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देने। उनके साथ उनकी माँ राबड़ी देवी भी पहुंची है। समर्थकों की भीड़ आप देख लीजिए किस तरीके के जो समर्थक है वो पहुंचे हैं यहाँ पर, कि पूरा जो जगह है वो भरा हुआ है, एक भी जगह खाली नहीं है यहाँ पर। इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे, लोगों से जानेंगे क्या बोल रहे हैं। उससे दुगना भीड़ बाहर है, ठीक है ना, अब बदलाव का लहर है। कल मोदी जी का शो कैसा था? मोदी जी कुछ नहीं है, पूरे भारत में मोदी जी का बदलाव का लहर है। इस बार इंडिया गठबंधन आ रहा है, मोदी जी का शो भी कल हिट गया है, पता है? मोदी जी कुछ नहीं, सब सब जुमला है। ना दाऊद बोला है, ना गंगा साफ हुई, ना काला धन आया, मोदी झूठा है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। रामकृपाल यादव को और पटना साहिब के जो सांसद 2 लाख वोट से रामकृपाल यादव हार रहा है, कुछ नहीं किया है, जनता को धोखा दिया है, अब भोज भात खाली खाता है, काम नहीं करता है। जी उनके साथ तो जो लोग आए थे बोल रहे थे काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, भोज भात खाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। क्या कहिए बिहार के युवा नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव की निशाबाद दीदी जीती हुई है। मोदी जी का शो कैसा था कल का, देखे थे क्या मोदी जी का शो? मोदी जी का शो फ्लॉप है, तो हिट गया बोल रहे थे कि हिट चला गया, बोल रहे थे कि कल की तो हिट हो गया, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि कल नहीं हिट हुआ, फ्लॉप है, सब स्टूडेंट अब की हरा देगा उनको, पूरा स्टूडेंट उसको विरोध में अपनी वोट देगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि लालटेन को वोट देना बेकार है, वोट नहीं देते मोदी के, बोल रहे हैं कि अगर गलती से इंडिया गठबंधन का बटन दब गया तो वोट बेकार हो जाएगा, हम लोग देवे नहीं करते हैं, इसलिए साथियों लालटेन को वोट दीजिएगा तो वोट बेकार चला जाएगा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, बेकार के जगह लालटेन के क्यों बेकार हो जाएगा? अंतिम संस्करण में नहीं जीतने वाले, क्यों जीतने वाले हैं? रोजगार नहीं चाहिए हम लोग को, रोजगार नहीं चाहिए मोदी जी, आप लोगों को मोदी जी से पूछे कि युवा को रोजगार नहीं चाहिए। उनका शो हिट गया है, भाजपा बोल रही है कल का मोदी जी का शो हिट गया। 5 किलो राशन ना चाहिए, हम इनके रोजगार चाहिए, हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा लिखा, हम लोग नौजवान है, हम लोग को रोजगार चाहिए ना कि राशन। तो देखिए ये तमाम लोग थे जो हम जाने की कोशिश कर रहे थे एसके मेमोरियल हॉल में, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सामने मंच पर तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीशा भारती हैं, इसके अलावा जो महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं बिहार के वो भी मौजूद है। और मीशा भारती की नामांकन सभा का आयोजन जो है वो किया गया है आज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। और यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए कह रहे हैं कि कल का मोदी का जो शो था वो फ्लॉप है और मीशा भारती का जो शो है वो हिट है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।